लोगों को धोखाधड़ी के जाल में फंसाकर अपनी जेब गर्म करना कई लोगों के पैसे कमाने का जरिया होता है। कई लोग तो ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि बिना किसी मेहनत के ही उनकी जेब भर जाती है। यूपी के चंदौली से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक जालसाजी का खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस को जिले से धोखाधड़ी की शिकायतें मिली थी, जिसमें पुलिस को सूचित किया गया था कि कुछ लोग समाज कल्याण फाउंडेशन समिति चंदौली के नाम पर गांव में महिलाओं से ठगी करते थे। ब्लॉक स्तर पर सुपरवाइजर और जिला स्तर पर जिला प्रभारी की नियुक्ति कर जालसाजी और धोखाधड़ी का पैसा आम महिलाओं से ठगते थे। वहीं जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पूछताछ के दौरान पता चला कि निशांत समाज कल्याण संस्था के नाम पर राज्य के 12 जनपदों से फर्जी तरीके से कंपनी में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर ग्रामीण महिलाओं से फर्जी तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने कुछ पैम्पलेट, महिला कार्ड, ग्रामीण महिला स्वास्थ्य मिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म समेत कई प्रकार के मोहरे जब्त की है। फर्जीवाड़े के इस चेन का खुलासा तो हो गया है, लेकिन इसमें शामिल लोगों के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये लोग और किन किन जगहों पर सक्रिय थे, क्योंकि अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें यही पता चला है कि इन्होंने राज्य के 12 जनपदों में अपना जाल बिछाया हुआ था, तो इनके और जगह भी सक्रिय होने की संभावना है। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।